पहला स्टेप क्या था? हमारा पहला स्टेप था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, हम मिट्टी को कैसे तैयार करें। तो मिट्टी को तैयार करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है वो देखते हैं हम। द अरेंजमेंट ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। तो सबसे पहला स्टेप हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है। द मोस्ट इजीशियल वर्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल और लूजन इट। टर्न और लूजन का मतलब क्या होता है? मिट्टी को घुमाना। मिट्टी को घुमाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो हम जानेंगे। बेनिफिट्स द लूजनिंग ऑफ सॉइल, मतलब क्या क्या फ़ायदे हैं इसके। तो पहला फ़ायदा, द लूज सॉइल प्रोवाइड द प्लांट रूट्स टू पास थ्रू फ्रीली एंड डीपर इन टू द सॉइल। लूज सॉइल में क्या होते हैं? एयर गैप्स बन जाते हैं। अगर हम मिट्टी को बार बार घुमाएंगे तो उसमें गैप्स, दरारें से पड़ जाती हैं। दरारें से क्या होता है, जब हम वहाँ पे एक प्लांट ग्रो करेंगे तो वो अपनी जड़ें मजबूत कर सकेगा और जितना नीचे जा सकेगा न्यूट्रिएंट्स के लिए उतना फ़ायदा होगा। अलाउज द रूट ऑफ प्लांट टू ब्रीथ ईजली। जब वहाँ पे एयर गैप बन जाएगा तो वहाँ पे हवा जाने लगेगी। हवा जाने की वजह से वो क्या होगा, वहाँ पे ईजली वहाँ पे ब्रीथ या सांस ले सकेगा। तो रूट्स को वहाँ पे ऑक्सीजन जरूरी होता है उगने के लिए। हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थ वॉर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। दे बेनिफिट्स इन फर्दर टर्निंग एंड लूजिंग द सॉइल। दे ऑल्सो प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल। अब यहाँ पे क्या बोला इसने, इसने बोला है कि वहाँ पे अर्थ बॉम्ब्स उगेंगे। जब हम मिट्टी को थोड़ा आगे पीछे घुमाएंगे तो वहाँ पे माइक्रोब्स हो जाएंगे, और वहाँ पे क्या होगा, जब अर्थ बॉम्ब्स और माइक्रोब्स होंगे तो वो यहाँ पे, ये मिट्टी है हमारी और यहाँ पे अर्थ बॉम्ब्स उग गए हैं, तो ये क्या करेंगे, ये ऊपर से नीचे जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर नीचे जाएंगे। तो ये भी एक तरह से क्या कर रहे हैं, वहाँ पे टर्निंग और लूजनिंग कर रहे हैं, वहाँ पे मिट्टी को वहाँ फिर से क्या कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका ये फ़ायदा। और माइक्रोब्स भी यहाँ पे सेम वर्क करते हैं, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वहाँ पे भी उनका बहुत काम होता है। दे आल्सो प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल। ह्यूमस में क्या होता है, ह्यूमस में कार्बन प्लस नाइट्रोजन होता है जो हेल्थी क्रॉप के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे देख लिए क्या क्या फ़ायदे हैं। अब लास्ट देख लेते हैं क्या है, द न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल टू द टॉप सो डैट द प्लांट्स कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट्स। जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे क्या हो जाते हैं, टॉप मोस्ट सॉइल में आ जाते हैं, जिससे हमारी जो फसल है काफ़ी अच्छी उगती है। जैसे कि बहुत से न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, मिट्टी के नीचे दबे होते हैं, तो हम जैसे उसे टर्निंग करते हैं तो वो कहाँ पहुँच जाते हैं, ऊपर पहुँच जाते हैं, फिर इसे कंप्रेसर के द्वारा दबाया जाता है और वहाँ पे जैसे कि हवा और विंड से और पानी से ज़्यादा ये दूसरी जगह ना पहुँच जाए। तो ये भी हमें देखना है, यहाँ पे एक स्टेप कंप्रेस का भी था। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।